हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया लर्न क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आदिवासी के ऊपर। मीन्स आदिवासी का मतलब क्या होता है, आदिवासी होने का मतलब क्या है। गाइस, आदिवासी उसे कहते हैं जो प्रकृति के पूजक होते हैं और इसके संरक्षक होते हैं। यानी प्रकृति की पूजा करना और इसकी रक्षा करना किनका काम है, आदिवासी का। आदिवासी हैं जिनके कारण पेड़ पौधा, जंगल, जमीन, खेत खलिहान से बचा हुआ है। यानी प्रकृति के पूजक और संरक्षक हैं। जंगल, पेड़ पौधे और पशु से ये काफ़ी प्रेम करते हैं, इन्हें काफ़ी इनका लगाव है जंगल के साथ। जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं, पशु होते हैं, उनसे इनका काफ़ी अटैचमेंट होता है। मुख्य हथियार में ये तीर, धनुष, शिकार में माहिर होते हैं। कहीं भी जाता है शिकार करने के लिए तो शिकार में तीर धनुष इनके साथ होता है। और हंटिंग करना है इनका हॉबीज़ भी है और इन्हें अच्छा भी लगता है। सादा जीवन शैली और पारंपरिक भोजन करते हैं। इनका जो लिविंग स्टाइल है काफ़ी वो सरल है, सीधा सादा ये है। एंड इनका जो भोजन है, जो फूड है, वो ट्रेडिशनल भोजन ये खाना पसंद करते हैं। सहज, शालीन और शर्मिला इनका स्वभाव होता है। अतिथियों के स्वागत सत्कार को ये आतुर होते हैं। यानी कोई भी इनके यहाँ गेस्ट चले जाए या कहीं से भी कोई आए तो उनका वेलकम करने में पीछे नहीं रहते हैं, उनका काफ़ी स्वागत सत्कार करते हैं। कुनवे में रहना इन्हें अच्छा लगता है और उसका ख्याल रखना भी इन्हें अच्छा लगता है। जड़ी बूटी और औषधियों का इन्हें काफ़ी ज्ञान होता है। आदिवासियों से ज़्यादा और किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है जड़ी बूटियों के बारे में, औषधियों के बारे में, क्योंकि जंगल में ये अपना अधिक समय देते हैं। जंगल में बहुत से ट्राइब जंगल में ही रहते हैं, इसलिए जंगल से रिलेटेड जो भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनका नॉलेज अच्छा खासा इन आदिवासियों को होता है। अपनी संस्कृति, भूमि और भाषा से काफ़ी प्रेम करते हैं। पारंपरिक कला और गीत संगीत से भी इन्हें काफ़ी प्रेम है। पूर्वजों द्वारा स्थापित परंपरा का अक्षरश पालन ये करते हैं। तो आदिवासी का मतलब आज इस वीडियो में देखें कि वो प्राकृतिक पूजक होते हैं, इसकी संरक्षक भी होते हैं। जंगल, पेड़ पौधे, पशु से इनका काफ़ी अटैचमेंट है। हंटिंग करना इन्हें अच्छा लगता है। इसमें स्पेशली ये तीर धनुष का यूज़ करते हैं। इनका जो भोजन है वो काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप का ये फूड लेते हैं और सीधे साधे होते हैं, शर्मिले होते हैं, सहज शालीन होते हैं। इनके घर में आप कोई भी आप चले जाइए, कभी भी जाइए, ये वेलकम करने के लिए ऑलवेज खड़े रहते हैं, पीछे नहीं हटते। और जड़ी बूटियों की बात करें, औषधियों की बात करें, तो इनके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है। इन्हीं जड़ी बूटियों से अपने जो भी उनका प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे किसी तरह की बीमारी हो या कुछ भी हो तो वो खुद से घर पे जड़ी बूटियों से औषधियाँ वो बना लेते हैं। और इनकी जो संस्कृति है काफ़ी समृद्ध है, इनकी जो भाषा है वह भी काफ़ी समृद्ध है, इनकी जो पारंपरिक कला है, गीत है, संगीत है, सब समृद्ध है। फिर मिलते हैं वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।